पता चल पाया है। फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। मासूम बच्चे को 4 घंटे के बाद छुड़ा लिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मासूम 4 घंटे यूं ही खंभे से बंधा रहा, जिससे वो बदहवास हो गया, कुछ भी कहने की क्षमता उसमें नहीं रही थी। फिलहाल मालिक फरार है और उसकी भी लगातार तलाश की जा रही है। फिरोजाबाद से मेरे सहयोगी किशन चंद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए। किशन, आखिर क्या गलती थी मासूम की जो खेत मालिक ने इतनी बुरी तरीके से उसे बांधा है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, इसे तो तालिबानी सजा ही कहेंगे। किशन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। किशन, आखिर क्या वजह थी कि खेत के मालिक ने मासूम को तालिबानी सजा दी है? जी काजल, मैं बताना चाहूंगा, ये कल करीब 3 बजे की घटना है, जो कि ये गौतम नाम का जो मासूम बच्चा है, ये अपने एक साथी के साथ में सोच के लिए खेत में चला गया था। तभी बताया जा रहा है कि वह जो खेत मालिक था मुकेश कुमार, वो शराब के नशे में था, उसने दौड़ाकर जो है उसको पकड़ लिया गौतम को, और उसके उस तरीके से जो है खेत में ले जाकर जो बिजली का खम्भा था उससे बांध दिया था, और जब उसके चिल्ला ना पाए, उसकी शोर के कोई सुन ना पाए, जिसकी वजह से उसके मुंह में भी कपड़ा भी डाला गया था और उसके हाथ पैर भी बांधे गए थे। उसके बाद में जब काफी देर तक बच्चा जब लौट के नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने जब चारों तरफ तलाश किया तो साथ ही जो बच्चा था और अब उसने बताया कि इस तरीके से वो सोच के लिए गए थे उसको, और उसको गौतम को फलाने व्यक्ति ने पकड़ लिया है खेत में। तब परिजनों ने और ग्रामीणों ने जाकर जब देखा तो उसकी बच्चा जो है बेहोशी की हालत में पाया गया और वहां खोला गया बच्चे को, उसके बाद में जो है पुलिस को सूचना दी गई। ठीक है किशन, तो वजह क्या थी, क्या वजह थी कि मासूमों को बांधा गया है, और आरोपी कब तक गिरफ्तार हो पाएगा, पुलिस क्या कह रही है? जी मैं बताना चाहूँ काजल, ये वजह तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उसकी जो खेत मालिक मुकेश कुमार की जो मानसिकता थी वो ये तालिबानी तरीके से जो जो सजाएं सुनाई जाती हैं उस तरीके से उसकी जो मानसिकता थी वो काफी गंभीर थी, जो कि बच्चा केवल सोच के लिए गया था खेत में, उसको भगाया भी जा सकता था या उसको डांट फटकार के भी भगाया जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और बच्चे को बुरी तरीके से जो बिजली के खंभे से बांध दिया और उसके बाद में वहां से वो चला गया। अगर समय से करीब 4 घंटे बाद उस बच्चे को आयात कराया गया, अगर समय रहते अगर बच्चा जो है नहीं मिलता तो शायद वो किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता था। फिलहाल परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है, अभी आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी आरोपी पुलिस के हाथ में नहीं चढ़ा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फिरोजाबाद का एक पूरा मामला है जहां एक मासूम को बेवजह तालिबानी सजा दी गई है। कसूर इतना था कि खेत में शौच के लिए वो गया था, खेत मालिक ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसे रस्सी से बांध दिया और बिजली के खंभे से सटा कर उसे बैठा कर रखा। मासूम शोर ना मचा पाए, इसकी वजह से उसके मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया गया। 4-5 घंटे मासूम बदहवास रहा। परिजनों को चिंता हुई, परिजन मौके पर पहुंचे और वहां से बच्चे को छुड़ा लिया है। लेकिन सवाल ये है कि 1.5 दिन का वक्त बीत गया है लेकिन पुलिस के हत्थे जो खेत मालिक है वो नहीं चढ़ पाया है। मथुरा की एक पॉश कॉलोनी कृष्णापुरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चोरों ने आसपास के 4 मकानों को एक साथ निशाना बनाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि मथुरा में इन दिनों चोरी की वारदातों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आए दिन चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला मथुरा के कृष्णापुरी क्षेत्र का, जहां रात के अंधेरे में अज्ञात चोरों ने 4 मकानों को निशाना बनाकर लाखों रुपयों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वही पूरी घटना वहां एक मकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। तो मथुरा का ये पूरा मामला, चोरों ने एक साथ 4 मकानों को निशाना बनाया, लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसकी फुटेज की जांच भी लगातार की जा रही है। घटना ये कृष्णापुरी क्षेत्र की जो घटना है वो करीब रात के 2 बजे से है। मैं आमतौर पर जो उठता हूँ, सुबह में उठा 4 बजे उठ के मैं देखा तो मुझे कुछ खटर पटक की सी आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ा, तो मैंने अपने लोगों को आवाज़ दी और फ़ोन वोन किया
फोन वोन करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कोई कोई आदमी मेरे कोठी में से भाग के जा रहे हैं। तब मैंने ऊपर आके देखा कि मेरा जो मेन गेट है वो टूटा हुआ है, उसका लॉक टूटा हुआ है। और जब मैंने बाहर जाके मेरे साथी लोग आ गए तो और जानकारी की कि बदमाश लोग मेरे मकान के पड़ोस में बबू चतुर्वेदी है, उनका ताला तोड़ के लाखों रुपये का सामान निकाल के ले गए। उसके पास ओम प्रकाश अग्रवाल जी का ताला तोड़ने का किवाड़ तोड़ने का प्रयास किया। एक घटना कृष्णापुरी में उन्होंने और की है, वहाँ से भी चोरी करके गए हैं। मेरी कोठी में वो 2:58 से लेकर 4:15 बजे तक रहे हैं। लखनऊ के ऐतिहासिक इमाम बाड़ा के अंदर एक लड़की के डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वह इस वीडियो के वायरल होने पर शिया मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना यासुब अब्बास ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मौलाना यासुब ने कहा है कि बड़ा इमाम बाड़ा हमारी कदीम इबादत गाह है, ना कि कोई टूरिस्ट प्लेस। इसके साथ ही मौलाना ने कहा कि अगर हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन और जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की तो हम इसके खिलाफ ऑल इंडिया शरिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जल्द एक बड़ा एहतियात करेंगे। बड़े मामबाड़े के अंदर जिस तरीके से लड़की डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है उसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो कम है। मैं चेयरमैन हुसैनाबाद ट्रस्ट जिलाधिकारी लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े मामबाड़े के चेयरमैन हैं और चेयरमैन होते हुए जो बड़े मामबाड़े के अंदर उसके तकद्दस को पामाल किया जा रहा है उसकी जितनी भी मदम्मत की जाए वो कम है। और इसको पर ज़बरदस्त तरीके से एक एहतजाज का हम ज़बरदस्त तरीके से ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड के हवाले से लायामल मुरतब करेंगे। हमारी इबादतगाहें, हमारे इमामबाड़े, हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, हमारी करबलाओं का जो तकद्दस पामाल हो रहा है वहाँ के ऊपर फौरन टूरिस्ट के आने पर पाबंदी लगाई जाए, इसलिए कि ये इमामबाड़ा है, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। लिहाजा मैं इसकी सख्त अल्फाज में भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। और मैं इस वक्त ग्वालियर जा रहा हूँ और ग्वालियर से जब मैं लखनऊ लौटूंगा तो बाकायदा इसके ऊपर लायामल मुरतब करूँगा। गोंडा के खरगोपुर के देवरिया कला गांव में मां के साथ दो बेटियों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आसपास के लोगों से घटना के बारे में जानकारी भी ले रही है। वहीं ट्रिपल हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में भी जुट गई है। थाना खरगुपुर अंतर्गत जनपद गोंडा में देवरिया कला गांव है, यहां पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला एवं उसकी दो बच्चियों के शव मिले हैं। तत्काल मौके पर पहुंच के फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड इत्यादि के साथ में पूरे मौके की छानबीन की गई है एवं अभी तक की जो छानबीन से प्रथम दृष्टिया ये पारिवारिक विवाद जो है इसमें परिलक्षित हो रहा है। इसमें जो महिला है उसके पति एवं उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रहे हैं, पारिवारिक विवाद पर ही ये मामला लग रहा है और अन्य भी जो इसमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और अभी जो अन्य जो अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं उन सबको जोड़ के जल्दी ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापिका कुसुम सोनी पर विद्यालय में पढ़ने वाले दलित बच्चों के साथ एमडीएम का खाना खिलाते समय दलित बच्चों की अलग लाइन लगवाने के साथ साथ सामाजिक और जातीय भेदभाव करने, समय से विद्यालय नहीं पहुंचने, बच्चों को मारने पीटने जैसे गंभीर आरोप अभिभावकों और ग्राम प्रधान की तरफ से लगाया गया है, जिसकी शिकायत करते हुए ग्राम प्रधान की तरफ से 28 सितंबर को एक लिखित प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष संग्रामपुर को भी दिया गया। जैसे ही ये मामला ट्विटर सहित सोशल मीडिया पर चलने लगा तत्काल जिला अधिकारी अरुण कुमार ने इसका संज्ञान लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक से जांच कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मास्टर जो मैडम है वो लड़की को बहुत मारा थी। कौन सा विद्यालय? बनपुरवा। बनपुरवा गड़ेरी में पढ़ता है। अध्यापिका क्या नाम है जो मारते हैं? कुसुम। अभिभावक आए थे हमारे पास, छोटे छोटे बच्चे आए थे हमारे पास, इसलिए वो जो बोले ये खाने पीने की समस्या, पढ़ने लिखने की समस्या जो थी वो आके हमारे पास शिकायतें किए
हम वहाँ विद्यालय में गए तो मैडम सर जो कुसुम सोनी हैं वो वहाँ पर नहीं मिली, मुलाकात नहीं हुई। वो अभिभावक लोग हमसे दो तीन बार ही शिकायत किए थे इसकी समस्या जो है खाने पीने की, योग ये उच्च अधिकारियों के विपरीत इनकी शिकायतें हमें करना है और उनकी पूछताछ कराना है। ये आरोप बिल्कुल ही गलत है। हम सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हैं और सभी को एक पंक्ति में बैठाकर ही खाना खिलाते हैं। और बात जो हमारे ऊपर आरोप लगाने की है तो इसका प्रकरण हम आपको पूरा स्टार्टिंग से बताना चाहते हैं कि एक दिन रसोईया हमारी साफ सफाई कर रही थी, उस दौरान ये अपने आप को प्रधान प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्ति ने आकर के हमारे स्कूल में रसोईया को बाहर निकाला। क्या नाम था उनका? पवन दुबे नाम। अच्छा है। तो उन्होंने रसोईया को बाहर निकाला और बच्चों को बाहर निकाला और गेट में ताला लटका करके उसकी फोटो खींच लिया और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। तो हमने इसके खिलाफ जो है उनके एक तहरीर दी थाना संग्रामपुर में, तो वही मैटर है। और उसके बाद क्या कहते हैं, ग्राम प्रधान द्वारा ट्विटर और फेसबुक कई जगहों पे ये वायरल किया गया कि ग्राम बनपुरवा में प्रधानाध्यापिका द्वारा बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है और MDM देते समय भी भेदभाव किया जाता है, जिसके क्रम में इस प्रकरण की तत्काल उसी दिन जाँच की गई। तो मैं गाँव में गया तो वहाँ पर ग्राम वासियों से और अभिभावकों से बातचीत की गई तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि इस तरह का सामाजिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव किया जाता है और जातिगत शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। तो जिसके क्रम में उस प्रधानाध्यापिका को दंडित करते हुए और प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ताज नगरी में चौराहों के सुंदरीकरण के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। वह स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत भगवान टॉकीज चौराहे का सुंदरीकरण किया गया। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव नाम से स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। कमिश्नर अमित गुप्ता और IG रेंज नवीन अरोरा ने सुंदरीकरण का उद्घाटन भी किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ताज नगरी को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है। तो अमृत महोत्सव के तहत इस पूरे अभियान की शुरुआत की गई है। सुंदरीकरण के लिए पूरी तरह से नगर निगम ने कमर कस ली है। सबसे पहले तो मैं नगर निगम के कमिश्नर साहब और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने ये बीड़ा हाथ में उठाया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दिया है। आगरा ने भी इसमें कदम बढ़ाए हैं। भगवान टॉकीज एक ऐसा चौराहा है जो व्यस्ततम चौराहों में से एक है आगरा के और लाइफ लाइन है, लगभग हर तरफ से यहाँ ट्रैफिक आता है। अगर ऐसे में इस चौराहे को हम साफ कर सके, यहाँ एक व्यवस्था दे सके, ऑटो की सिटी बसेस की पार्किंग का एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया हुआ है, पुलिस की गाड़ियाँ या जो VIP मोमेंट के लिए गाड़ियाँ हैं उनके लिए अलग पार्किंग है, सार्वजनिक शौचालय बनाया है, यहाँ जो चौराहे पे कंजेशन था उसको 100 मीटर दूर सरकाया जा रहा है, यहाँ जो ठेले रिक्शे ऑटो लगते थे उनको अलग किया जा रहा है। तो अगर हम इसको एक व्यवस्था में ला सकें तो ये एक उपलब्धि होगी और इसको फिर हम और जगह रेप्लिकेट कर सकेंगे। तो ट्रैफिक पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा, बल्कि हम लोगों के जॉइंट इनिशिएटिव पे ही ये सब काम चल रहे हैं। कल भी नगर आयुक्त साथ में थे हमारे और कोशिश हम यही करेंगे कि एज वी कैन डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द आगरा पुलिस। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी